एज नंबर वन कोऑपरेटिव और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या ये जो कंपनी है दिस इज एक्चुअली वन ऑफ द इंडियन कंपनीज इसलिए हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है ओके okay? सो so, पूरे वर्ल्ड में 2021 जो एडिशन हुआ था डब्ल्यू रिपोर्ट का उसके अकॉर्डिंग एक इंडियन कंपनी है विच इज कम द फर्स्ट सो इसका जो आंसर है दैट इज सी एफ को इससे ज्यादा आपको पता करने की जरूरत नहीं है दिस इज द ओनली थिंग दैट यू शुड नो ओके इसके अलावा जो अगर मैं आपसे बात करूँ सीडियस एग्जाम की तो नवरत्नाज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अब कंपनी की बात आई है सो आई थॉट ऑफ टेलिंग अबाउट नवरत्नाज़ ये नवरत्नाज जो जो हैं इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज दे आर एक्चुअली गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर आती हैं एंड दैट इज़ वाई वी नीड टू नो अबाउट विच आर द कंपनीज विच आर अंडर इट सो यू गाइज विल कमेंट डाउन की कौन सी कंपनीज हैं विच कम अंडर नवरत्नाज ओके काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है और अगर कोई भी रिपोर्ट जनरेट की जाती है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिगार्डिंग दिस ठीक है सो वो भी इंपॉर्टेंट होती है प्लीज़ टेक अ नोड फिर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज द इंडिजिनियस मैसेजिंग एप्लीकेशन एक लॉन्च की गई है बाई इंडियन आर्मी और ये रिप्लेस करेगी इससे पहले मतलब जो अभी लॉन्च हुआ है उससे पहले दॉज एक्चुअली वन मोर थिंग दैट वॉज अवेलेबल तो उसकी रिप्लेसमेंट की जा रही है बिकॉज इट इज़ नॉट एज पार्ट टू द यू नो कंडीशन दैट आर रिक्वयर एज ऑफ नाउ क्योंकि आज की डेट में टेक्नोलॉजी इज क्वाइट फास्ट एंड बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो रही है सो उसके अकॉर्डिंग जो इसकी पुराने वाले की कैपेबिलिटीज है इतनी अच्छी नहीं है सो न्यू सिस्टम इज़ बींग ब्रॉटअप ठीक है और इट इज जस्ट लाइक व्हाट्सएप जैसे हम व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं बट ऑफ कोर्स वी नो दैट दिस इन्फॉर्मेशन कैन बी लीक्ड राइट तो हमारा अपना खुद का एक सिक्योर सिस्टम है जो आर्मी के लिए डेवलप किया गया है ठीक है और ये जो पुराना था इसको बोलते थे आर्मी वाइड एरिया नेटवर्क मैसेजिंग एप्लीकेशन अब नई एप्लीकेशन लॉन्च की गई है उसका नाम क्या है दे आर जस्ट आस्किंग दैट ओके सो जो उसका आंसर है दैट इज बी अ सिग्मा ठीक है असगमा की फुल फॉर्म इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दे कैन आस्क यू सो जो इसका आंसर है असगमा का दैट इज आर्मी सिक्योर इंडिजिनस मैसेजिंग एप्लीकेशन ठीक है सो दिस इज इम्पोर्टेंट प्लीज याद कर लेना ये आने के चांसेस हैं एब्रीवेशन पूछ लेता है कभी कभी सी बी एस ई एग्जामिनेशन ओके मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन द वेन्यू ऑफ इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल आई आई एस एफ जो कि 2021 में होस्ट किया गया था तो इसका जो वेन्यू था वो कहाँ था दिस इज द क्वेश्चन तो इसका जो आंसर है दैट इज़ बी पानाजी गोवा ठीक है अब अगर मैं बात करूँ तो ये कौन सा एडिशन रहा है दिस वॉज एक्चुअली द सेवेंथ एडिशन ऑफ आई ठीक है अब आई जो है ये एक कंबाइंड इनिशिएटिव है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक ठीक है उसके साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ठीक है और इसके साथ साथ विजनाना भारती ठीक है ये भी एक अपना साइंस से रिलेटेड ही आ, है ठीक है तो ये तीन है जो मिल के इसको कंडक्ट कराते हैं इनिशिएटिव है इनका ओके और इस साल की जो थीम है जो सेवेंथ एडिशन में थीम रही है दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट तो थीम क्या है इस बारी की दैट इज सेलिब्रेटिंग क्रिएटिविटी ठीक है सेलिब्रेटिंग क्रिएटिविटी इन साइंस टेक एंड इनोवेशन ठीक है फॉर प्रॉस्परस इंडिया ओके ये अपनी थीम रही है उसके बाद हम बात करें ये सेवेंथ एडिशन है फर्स्ट एडिशन जो है वो कहां हुआ था फर्स्ट एडिशन जो था दैट वॉज इन 2015 और ये अपना न्यू डेली में कंडक्ट किया गया था ओके okay? एंड इफ़ आई टॉक अबाउट कि पानाजी गोवा में कहाँ पर हुआ है सो इट हैज़ बीन कंडक्टेड इन एन सी पी ओ आर एन सी पी ओ आर किस चीज़ के लिए स्टैंड करता है इट इज़ नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च ठीक है दिस इज अनाफ बस इसको अच्छे से कर लेना मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग दैट इज हुजेकन ओवर एज चेयरमैन ऑफ चीफ्स ऑफ स्टाफ कमिटी दैट इज सी ओ एस सी चीफ ऑफ स्टाफ कमिटी ठीक है अब एज वी नो दैट आर सी डी एस दैट इज जनरल बिपिन रावत उनका डिमाइस हो गया था सो सी ओ एस सी एक्चुअली क्या होते हैं ये बेसिकली uh, एक एडवाइजर हैं जो कि एडवाइज करते हैं प्रेजिडेंट को ठीक तो है मिनिस्टर ऑफ डिफेंस और प्राइम मिनिस्टर ठीक है तो प्राइम मिनिस्टर प्रेजिडेंट और मिनिस्टर ऑफ जो डिफेंस होते हैं उनको ये एडवाइस करते हैं और यूजुअली जो हाईएस्ट रैंकिंग मतलब ड्यूरिंग द टाइम पीरियड जो भी हाईएस्ट रैंकिंग फोर स्टार मिलिट्री ऑफिसर होते हैं उनको दिया जाती है ये पोजीशन ठीक है तो एज वी नो दैट आर सी डी एस बिपिन रावत वॉज द वन जो अभी तक सीनियर मोस्ट थे आफ्टर इज डिमाइस आउट ऑफ ऑल द थ्री दैट इज चीफ ऑफ नेवी आर्मी एंड इनमें जो सबसे ज़्यादा सीनियर मोस्ट है उनको दिया जाएगा सो हु इज़ ही द आंसर फॉर द सेम विल बी जनरल एम एम नरवाने ठीक है अब आप लोग क्या करते हो यू वुड हैव डन अ मिस्टेक हियर कि आप ये मार्क आउट करके आ जाते फाइन बिकॉज यू वुड हैव थॉट कि अच्छा ये तो चीफ्स हैं सो हाउ कैन दे बी राइट सो आंसर इसका जो है दैट इज़ जनरल एम एम नरवाने ठीक है ये याद रखना है कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज विच इज द इंडिजिनियसली डेवलप्ड सर्फेस टू सर्फेस मिसाइल ध्यान देना कौन सी मिसाइल है क्वेश्चन आ जाता है जिसमें एबिलिटी है कि वो डिफीट कर सकती है इंटरसेप्टर मिसाइल को और अपना मिड एयर ही पाथ चेंज कर सकती है और ये डी जो है वो डेवलप कर रहा है और उसी ने अभी रिसेंटली से टेस्ट किया है 2021 में ठीक है सो so ये कौन सी मिसाइल है द आंसर फॉर द सेम इज प्रलय ठीक है प्रलय वो मिसाइल है अब ये जो है कैसी मिसाइल है तो ये एक शॉर्ट रेंज मिसाइल है मतलब बहुत ज़्यादा लॉन्ग रेंज तो नहीं है इट इज़ ऑलमोस्ट 150 से 500 किलोमीटर का इसका, इसका मतलब रेंज है ओके okay. और ये एक बैलिस्टिक मिसाइल या फिर आप इसको क्वॉजी बैलिस्टिक मिसाइल भी बोल सकते हैं ठीक है सो अब एज यू नो दैट बैलिस्टिक एंड क्रूज मिसाइल्स ऐसे होती हैं राइट देआर टू मिसाइल्स तो आपको पता होना चाहिए इसके बारे में स्पेसिफिकली इन टर्म्स ऑफ एस एस बी एस एस बी में यू शुड नो दे कैन आस्क यू दिस क्वेश्चन ड्यूरिंग योर इंटरव्यू और इसमें जो अपना मिसाइल गाइडेंस सिस्टम है दैट इज़ एक्चुअली स्टेट ऑफ आर्ट नेविगेशन सिस्टम और इंटीग्रेटेड अवेयरनेस ठीक है सो दिस इज़ वन ऑफ द थिंग और इसके अलावा हमें एक बार पेलोड कैपेसिटी भी पता होनी चाहिए सो इट इज़ ऑलमोस्ट फाइव हंड्रेड से थाउजेंड के जीज ठीक है दिस इज़ इम्पोर्टेंट प्लीज मेक श्योर आपको ये पता हो बिकॉज दे आर्स लॉर्ड ऑफ क्वेश्चन रिलेटेड टू मिसाइल्स इन एग्जामिनेशन ठीक है अब अगर हम रुद्रम की बात करते हैं सो so रुद्रम कौन सी मिसाइल है इट इज़ एक्चुअली ए टू सर्फिस मिसाइल ओके और ये इंडिया की फर्स्ट इंडिजनस मिसाइल है जो कि एंटी रेडिएशन मिसाइल है ठीक है सो दिस इज़ इम्पोर्टेंट ये भी पता करना ज़रूरी था तो ये भी बता दिया मैंने आपको इसके अलावा अच्छा अगर मैं आपसे पूछती हूँ पृथ्वी ये किस टाइप के मिसाइल सिस्टम है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे ठीक है मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज रिसेंटली वॉलकैनिक इरप्शन जो है वो ऑब्जर्व किए गए थे वुल्फ वॉल्कैनो में जो कि पार्ट है किस आइलैंड ग्रुप का सो दे वास्ट यू विच आइलैंड ग्रुप इट बिलोंग्स टू ओके सो जो इसका आंसर रहेगा दैट इज़ डी डी क्यों है देखो पहली बात जो एलेपेगोज आइलैंड है आपके ठीक है उसके अंदर आपके छोटे छोटे आइलैंड है ठीक है दिस इज आइलैंड ग्रुप ठीक है और इसमें कैन यू सी इजाबेला आइलैंड सो ये वाला आइलैंड है जिसपे लाइ करता है सो so ऑफकोर्स जो कॉम्बिनेशन है इफ पीपल आस्क यू अच्छा दिल्ली में है या फिर इंडिया में है अगर कोई ऐसे करके क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो कुतुब मीनार है वो कहाँ पर है और आपको ये ऑप्शन आता है और आपके पास दोनों अवेलेबल है तो आप क्या करेंगे बोथ करोगे ना तो सेम वे दिस क्वेश्चन इज दे तो ये इजाबेला आइलैंड में भी है और एलोपेगोज आइलैंड जो है ये बेसिकली इजाबेल आइलैंड इज पार्ट ऑफ एलोपेगोज आइलैंड ठीक है so इसका जो आंसर रहेगा दैट विल बी डी बोथ ए एंड बी ओके तो अगर हम बात करें इस इरप्शन के रिगार्डिंग तो जो वुल्फ वॉलकैनो uh, है इसको माउंट वाइटन भी बोला जाता है ठीक है और जो ये अपना वुल्फ uh, वॉलैनो है सो so अगर इसकी बात करते हैं ये किस तरीके का वॉल है इट इज़ एक्चुअली अ शील्ड वॉलकैनो अच्छा शील्ड वॉलकैनो को रिकॉग्नाइज कैसे उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होते हैं जोग्राफी तो पढ़ी होगी आपने राइट right? तो आपने अपटर्न सूप बाउल शेप देखी होगी राइट सूप बाउल शेप जो अपटर्न फॉर्म में होती है तो वैसी इसकी शेप है ओके सो शील्ड वॉल कैनो है ये ओके okay? अभी जैन 22 में ही ये अपना हुआ था इराप टैंड इससे पहले 2015 में हुआ था ठीक है सो so, ये अभी एक्टिव वॉल कैनो ही है इससे पहले काफी साल लाइक तीस पैंतीस साल तक डॉर्मेंट रहा था बट नाउ इट इज अगैन कन्वर्टेड इन टू एक्टिव शील्ड वॉल कैनो ओके इसके अलावा एक और चीज नोटिस की गई थी कि जो अपना टोंगा आइलैंड्स है ठीक है टोंगा आइलैंड जो है दे आर अ लॉन्ग रिंग ऑफ फायर ठीक है यहाँ पे आप जानते हो रिंग ऑफ फायर इज वन ऑफ द प्लेसेस जहां पे हाइटेंड वॉलैनिक एक्टिविटीज और सिस्मिक एक्टिविटीज़ हम लोग नोटिस करते हैं ठीक है सो so, यहाँ पर अभी रिसेंटली क्या हुआ था टोंगा आइलैंड्स के अंदर जो अंडर सी वॉलैनो है ठीक है अंडर सी वॉलैनो में इरपशन जो है वो नोटिस की गई थी ठीक है मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज वेयर विल द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज पेनेक्स ट्वेंटी वन विद बिम्स्टेक कंट्रीज बी हेल्प अब सबसे पहली चीज दैट वी शुड नो इसकी कि क्यों किया जा रहा है सो बिस दिस इज बेसिकली अ ह्यूमेनिटेरियन असिस्टेंस किस चीज के रिगार्डिंग असिस्टेंस रिगार्डिंग डिजास्टर ठीक है डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज है बेसिकली ये और इस एक्सरसाइज के अंदर वो प्लान करते हैं कि वॉट शुड बी आर रीजनल कोऑपरेशन हम बिकॉज इट्स वन रीजन राइट तो रीजनल कोऑपरेशन हमारी किस तरीके से होनी चाहिए ताकि हम कोई भी नेचुरल डिजास्टर अगर आता है जैसे कि अर्थक्वेक आया है ठीक है उसके अलावा वॉलैनिक्रप्शन हुए हैं या फिर फ्लड्स uh, भी आए हैं तो इनसे इनके अगेंस्ट हम लोग किस तरीके से लड़ सकते हैं ओके okay? और एज यू नो दैट कोविड नाइन्टीन जो है वो भी काफ़ी इफेक्ट कर रहा है हमारे uh, हर लाइक डेली लाइफ को सो ऑफ कोर्स तो इस चीज़ को भी हमें ध्यान में रखना है कि कोविड नाइन्टीन के अकॉर्डिंग क्या क्या चेंजेस लाने की जरूरत है वैन एवर वी आर पुटिंग आउट एनी एक्सरसाइज सो उसको ध्यान रखते हुए न्यू चेंजेस के अकॉर्डिंग ड्रिल्स जो हैं वो कंडक्ट की गई हैं ठीक है थीके? अब अगर हम बात करते हैं तो ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है बिकॉज बिमस्टेक जो है ये अभी काफ़ी टाइम तक डॉर्मेंट रहा था ठीक है बिमस्टेक जो है इसमें कौन कौन सी कंट्रीज हैं दिस इज ऑल्सो क्वाइट इम्पॉर्टेंट ठीक है सो so, काफ़ी डोमिनट रहा था मतलब ये जो एसोसिएशन है काफ़ी टाइम तक देर हैड नॉट बीन लॉट ऑफ एक्टिविटीज सो दैट्स वाई इट इज इम्पॉर्टेंट ठीक है क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद चीज़ें स्टार्ट हुई हैं तो सात कंट्रीज इन्वॉल्व हैं इसमें दैट इज इंडिया ठीक है नेपाल श्रीलंका भूटान बांग्लादेश ओके थाईलैंड एंड म्यांमार ओके सो दिस इज वॉट यू शुड नो और ये जो कंडक्ट किया गया था इसका आंसर क्या होगा आंसर विल बी डी पुणे सो पुणे जो है वो इस जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का होस्ट था ठीक है अब कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो बिम्स्टेक के बारे में पता होनी चाहिए द फर्स्ट थिंग इज की इसकी एब्रीवेशन जो है दैट इज इम्पोर्टेंट सो इट इज द बे ऑफ ऑल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टर टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन ठीक है ये फाउंड किया गया था इन 1997 और बैंकॉक uh, डिक्लेरेशन के थ्रू इसको फाउंड uh, किया गया था ओके एंड इफ आई टॉक अबाउट कि इसका जो सेक्रेटरीट है वो कहाँ पर है सो so, जो सेक्रेटरीट है दैट इज इन ढाका ढाका कहाँ पर है ढाका इज इन बांग्लादेश ठीक है सो so, ये अपने इसके हेड क्वार्टर्स हैं ओके जो फर्स्ट समिट हुआ, हुआ था वो कहाँ हुआ था थाईलैंड में हुआ था ओके सो दिस इज ऑल वी शुड नो अबाउट बिन्ट कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज विच ऑफ द इंडियन नेवी शिप इज बींग डी कमिशन आफ्टर थर्टी टू ईयर्स ऑफ सर्विस एट विशाखापट्टनम दैट इज इन आंध्र प्रदेश इन डिसम्बर ट्वेंटी ट्वेंटी वन सो कौन सी ऐसी शिप है जो डी कमिशन हुई है तो अगर मैं आपको हिंड दूँ तो ये अपनी फर्स्ट इंडिजिनसली बिल्ट मिसाइल को वर्ड्स है तो आप बताइए कौन सी है दिमाग लगाइए थोड़ा सो so, आंसर जो है इसका दैट इज आई एन एस खुखरी ठीक है ये डी कमीशन हो रही है आफ्टर थर्टी टू ईयर्स ऑफ इट्स सर्विस हेंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दीज आर वन लाइनर्स सो नासा ने भी रिसेंटली एक स्पेस जो है उसको सन की अपर मोस्ट एटमोस्फेयर जिसको कोरोना भी बोलते हैं वहां पे फर्स्ट टाइम फ्लाई किया है द स्पेस ठीक है सो वॉट इज द नेम ऑफ द स्पेस क्राफ्ट द आंसर फॉर द सेम इज पाक सोलर प्रोब ठीक है सो इट इज़ द फर्स्ट वन जो आज तक इवन द फर्स्ट लेयर ऑफ सन वहाँ पर भी जो अपर मोस्ट एटमोसफेयर है उसकी भी फर्स्ट लेयर में नहीं जा पाए थे आज तक कोई भी नासा का जो फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट है जिसका नाम पाक सोलर प्रोब है ये गया है एंड इट हैज़ विजिटेड थ्रू द फर्स्ट लेयर ऑफ एटमोस्फेयर विच इज ऑल्सो नोन एज कोरोना ठीक है द नेक्स्ट वन इज वीक ट्रॉपिकल साइक्लोन जो कि बे ऑफ बंगाल में डेवलप हुआ था जिसकी वजह से काफी रेनफॉल हुई थी आंध्र प्रदेश उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल उसका नाम क्या है सो द आंसर फॉर द सेम इज साइक्लोन चावि ठीक है ये याद रखना है मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग दैट इज गुड गवर्नेंस इंडेक्स ठीक है सो दिस वॉज गिवन ऑन गुड गवर्नेंस डे ठीक है गुड गवर्नेंस डे जो कि कब मनाया जाता है ऑन ट्वेंटी फिफ्थ डिसम्बर ठीक है सो इस दिन ये दिया गया था और जो टॉप रैंकिंग स्टेट्स हैं हु हुव इट या आप मुझे बताएंगे जैसे होता है ना कि नीति आयोग का अगला बताने वाली हूँ मैं आपको सो so, इस तरीके से किसने दिया है गुड गवर्नेंस इंडेक्स ओके कोई मिनिस्ट्री देती है या कोई ऑर्गेनाइजेशन देती है सो so, ये आप मुझे बताएंगे तो कैटेगरीज की अगर बात करें तो ग्रुप ए एंड ग्रुप बी ऐसे करके स्टेट्स होते हैं ठीक है so, तो उनमें टॉप रैंकिंग स्टेट कौन सा है सो ग्रुप ए कैटेगरी में गुजरात है ग्रुप बी कैटेगरी में मध्य प्रदेश है अगर ओवरऑल पूछा जाता है तो गुजरात आंसर करेंगे आप ठीक है टॉप किसने करा है गुड गवर्नेंस इंडेक्स अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आंसर क्या होगा गुजरात ओके नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिल स्टेट्स हिमाचल प्रदेश और यूटीज़ में टॉप किया है दिल्ली ने ओके यूटी के आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं और एक अपना नॉर्मली पूछ लेंगे गुड गवर्नेंस इंडेक्स किसने टॉप किया सो अगर ये क्वेश्चन आता है सो दिस विल बी द आंसर ओके मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन दैट इज हेल्थ इंडेक्स नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हेल्थ इंडेक्स देता कौन है द आंसर फॉर द सेम इज़ नीति आयोग नीति आयोग जो है वो हेल्थ इंडेक्स देता है ओके okay? और इस हेल्थ इंडेक्स का एक्चुअल काम क्या होता है पहली बात तो मेजर करना कि परफॉर्मेंस कैसी है स्टेट्स एंड यूटी की उनके बीच में कॉम्पिटिशन जो है उसको इंक्रीज कराना ताकि जो भी पॉपुलेशन है उसकी क्या है हेल्थ जो है वो इम्प्रूव हो ठीक है दिस इज द मेजर बेनिफिट ओके अब हम बात करेंगे कि लार्ज स्टेट स्मॉल स्टेट्स एंड यूटीज में रैंक किसकी अच्छी आई है टॉप किसने किया है सो रैंक वन या फिर टॉपर कौन है और वर्स्ट कौन है परफॉर्मिंग इफ आई टॉक अबाउट स्टेट्स, ओके सो लार्ज स्टेट की बात करते हैं सो रैंक वन रही है केरला की और वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट कौन सा रहा है उत्तर प्रदेश स्मॉल स्टेट्स की अगर हम बात करते हैं तो मिजोरम जो है दैट इज रैंक वन उसने टॉप किया है और नागालैंड की जो कंडीशन है दैट इज द वर्स्ट UTS की बात करें सो so दादरा नगर हवेली एंड द मन जो है उसने टॉप किया है और पुडुचेरी जो है उसकी कंडीशन इज वर्स्ट ओके सो क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा आने के क्या चांसेस हैं? दो स्टेटमेंट्स दे देंगे कि जो टॉप किया है यूटीज में वो इसने किया है ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं और दूसरा पूछ लेंगे कि ये जैसे हेल्थ इंडेक्स है वो कौन देता है नीति आयोग देता है तो अब फिर पूछेंगे कि अच्छा स्टेटमेंट मन और टू करेक्ट है या सेकेंड करेक्ट है या फर्स्ट करेक्ट है इस तरीके के आपके क्वेश्चन आएंगे और डी हो जाएगा नन ऑफ द अबाव सो दिस इज द वे दे कैन आंस यू द क्वेश्चन ओके मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन द नेबरिंग कंट्री जिसने अपना हाइस्ट सिविलियन अवार्ड दिया है हमारे प्राइम मिनिस्टर को श्री नरेंद्र मोदी तो वो कौन सी कंट्री है आंसर फॉर द सेम इज ए भूटान आपको शायद फोटो देख के ही समझ आ गया होगा राइट मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन दैट इज इंडिया के कंटेस्टेंट जिनको क्राउन किया गया है एज मिस यूनिवर्स 2021 ट्वेंटी द ब्यूटी पेजन जो अभी रिसेंटली हुआ था इसराइल में ठीक है यूनिवर्स डोमिन इलेच जो कि इसराइल में है यहाँ पे कंडक्ट किया गया था सो इसका आंसर क्या है हरनाज संधु ठीक है अब इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया जो है आज तक मिस यूनिवर्स जो टाइटल है वो सिर्फ दो बार जीता है इससे पहले जो फर्स्ट टाइम जीता था दैट वाज बाय सुष्मिता सेन इन नाइनटीन ओके एंड द सेकेंड वन वॉज़ बाय लारा दत्ता वेन इन 2000 थाउजेंड okay? ओके और अब हमारा थर्ड टाइम है जब हरनाथ सिंधु को मिला है दैट इज़ इन ट्वेंटी ट्वेंटी टू तो पहले वाले भी आपको पता होने चाहिए दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है और अगर हम इस पेजेंट की बात करें तो ये कौन सा पेजेंट था नंबर क्या था इसका ये सेवेंटी एथ मिस यूनिवर्स टाइटल था ओके सो विद दिस आई एंड पार्ट टू ऑफ करंट अफेयर्स मेक श्योर आप सब अच्छे से रिवाइज करें एंड मेक श्योर दैट वट एवर क्वेश्चन आई आस् उनको भी अच्छे से करें साथ के साथ प्लीज ट्राई एंड रिस्पॉन्ड डाउन बिकॉज अगर आप उसे यू नो सर्च करेंगे लिखेंगे यू विल बी एबल टू रिमेंबर इट लॉन्ग टाइम के लिए एंड दैट इज इंपॉर्टेंट इसलिए मैं आपसे पूछती हूँ ताकि आपकी मेमोरी में वो चीज़ हो ठीक है सो ऑल द बेस्ट की वर्किंग स्मार्ट एक महीना रह गया है ट्राई टू बी स्मार्ट अनफ एंड मेक श्योर दैट इफ यू वॉन्ट टू स्कोर जी एस के अंदर फोर्टी प्लस मार्क्स यू कैन ज्वाइन आर कोर्स दैट इज अवेलेबल ऑल्सो वी हैव पी डी एफ अवेलेबल फॉर मंथली करंट अफेयर्स यू कैन गो फॉर दैट एंड विद दिस कोर्स आई गारंटी यू दैट इवन इन वन मंथ टाइम पीरियड अगर आपको लिमिटेड पढ़ के मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने हैं

प्लीज मेक श्योर दैट यू डाउनलोड इन साइट एस एस बी आर फॉर द सेम ऑल्सो आपका जो नया क्रैश कोर्स है फॉर सी डी एस जो क्रैश कोर्स है दैट इज गोइंग टू स्टार्ट ऑन नाइन्थ ऑफ मार्च सो इन केस यूर लुकिंग आउट फॉर क्रैश कोर्स यू कैन जॉइन द सेम एंड प्लीज मेक श्योर दैट यू डू इट बिफोर नाइन्थ ऑफ मार्च बिकॉज आफ्टर दैट विल नॉट बी टेकिंग एनी मोर स्टूडेंट्स एंड इट्स वन मंथ लॉन्ग कोर्स सो वी वॉन्ट कि आप अपना बेस्ट दें उस कोर्स के अंदर सो दैट यू आर एबल टू अचीव वॉट यू हैव एम्ड फॉर ओके all the best keep working smart and inside ssb is always on the side of working smart because that is a way by which you can actually attain a good rank in any of the competitive exams okay